बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आर ऑनलाइन इंग्लिश क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश बुक 3। ओपन योर बुक एट पेज नंबर 33। चैप्टर नंबर 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस द टाइटल पॉथहोल। पॉथहोल मीन्स शगाफ, खड्डा, स्पेस होना, किसी जगह में सुराख होना, ठीक है। वर्ड्स टू नो, ब्लेजिंग, शाइनिंग ब्राइटली इन हॉट, बहुत तेज़ भड़कता हुआ, तेज़ दहकता हुआ, ठीक है। कंपोस्ट, ये शाइनिंग ब्राइटली इन हॉट, ये तेज़ जो सूरज जब दोपहर के टाइम या दिन के टाइम जब बहुत तेज़ धूप हो रही होती है तो ये उसके बारे में, सूरज के बारे में बात हो रही है। कंपोस्ट, अ मिक्सचर ऑफ लीव्स एंड मेनोर यूज्ड टू इम्प्रूव सॉइल, ये खाद लाइक ऐसी जिसके अंदर पत्ते और कुछ इस तरह की चीज़ें मिक्स कर ली जाएँ उसको ज़्यादा फर्टाइल बनाने के लिए। फाइनली, एट लास्ट, एट द एंड, आखिरकार, गेपिंग, वाइड ओपन, खुला हुआ, ऑन कमिंग, कमिंग नियरर, आता हुआ, रैक्स, स्क्रैप्स ऑफ क्लॉथ फॉर क्लीनिंग, फटे पुराने कपड़े यानी कि जो आप डस्टिंग या किसी चीज़ को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। शेल्टरिंग, टेकिंग कवर फ्रॉम रेन, विंड और सनशाइन, शेल्टरिंग किसी चीज़ से ख़ुद को लाइक ढकना, कवर करना या साया लेना, यानी कि लाइक आप किसी दरख्त के नीचे खड़े हो जाएँ तो उसका साया लें किसी धूप से बचने के लिए, हवा से बचने के लिए, बारिश वगैरह से बचने के लिए, किसी चीज़ के नीचे ख़ुद को शेल्टर करना, कवर करना। स्टक, टू बिकम फिक्स्ड इन अ प्लेस, पास्ट टेंस ऑफ स्टिक, स्टक किस जगह पे फिक्स यानी कि किस जगह पे फंस जाना, और ये जो है स्टिक का पास्ट टेंस है ये, जैसे स्टिक स्टक। स्वर्व, टर्न्ड साइड फ्रॉम अ स्ट्रेट कोर्स, चेंज डायरेक्शन स्विफ्टली, लाइक आप कहीं से आ रहे हों और आपके रास्ते में एक होल बना हो, एक शगाफ हो, तो आप ज़रा घूम के साइड से चक्कर लगा के गुजर जाएं, यानी कि ज़रा दूसरी साइड ले लें, आप दूसरी साइड से गुजर जाएं उस होल के। विक्टिम, अ पर्सन हु सफर्स इंजरी और इज़ हार्म्ड, विक्टिम मीन्स कि ऐसा बंदा जिसको कोई ज़ख्म हुआ हो या किसी इंजरी से वो यानी कि ज़ख्मी हो गया हो या उसे कोई नुकसान पहुँचा हो। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फ़ाइज़ा लुक्ड आउट ऑफ हर बेडरूम विंडो, फ़ाइज़ा अपने बेडरूम की खिड़की से बाहर देख रही थी। अनदर कार वाज़ स्टक इन द रोड, एक और कार जो है वो रोड के दरमियान फंस गई थी। द ड्राइवर रोड फंस गई थी। द ड्राइवर एंड एन ओल्डर मैन वर चेंजिंग वन ऑफ द फ्रंट व्हील्स, ड्राइवर और एक बूढ़ा आदमी उस कार का जो फ्रंट व्हील था उसको चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे, तब्दील कर रहे थे। फ़ाइज़ा वॉच्ड एज द मैन वर्कड इन द ब्लेजिंग सनशाइन, फ़ाइज़ा वॉच्ड, फ़ाइज़ा देख रही थी एज द मैन, जैसा कि आदमी वर्कड, काम कर रहा था, इन द ब्लेजिंग सनशाइन, बहुत तेज़ तपती हुई धूप में। अ वुमेन इन टू चिल्ड्रन, एक औरत और दो बच्चे वर सिटिंग, बैठे हुए थे, बिसाइड द रोड, रोड के साइड पर, अंडर अ ट्री, एक दरख्त के नीचे, शेल्टरिंग फ्रॉम द सन, सूरज की जो तेज़ गर्मी थी उससे बचने के लिए वो लोग साए में, दरख्त के साए में बैठे हुए थे। फ़ाइज़ा स्विच्ड ऑन हर कंप्यूटर, फ़ाइज़ा ने अपना कंप्यूटर ऑन किया। शी ओपन्ड हर कैलेंडर एंड बिगेन मेकिंग नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, शी ओपन्ड, उसने खोला हर कैलेंडर, अपना कैलेंडर, एंड बिगेन, और शुरू किया मेकिंग, बनाना, नोट्स, नोट्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, एक पेपर शीट पर। सो मैनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स, बहुत सारे एक्सीडेंट हुए, यानी कि वो इस चीज़ को बता रही थी कि जो रोड के ऊपर कार स्टक हो गई और पॉथ होल हमने पढ़ा, यानी कि वो एक शगाफ था सड़क के बीच में जो लोगों को पता नहीं चलता था, और आते आते किसी का टायर जो है वो स्टक हो जाता था या कोई इस तरह का कोई बंदा गिर जाता था, इस तरह के एक्सीडेंट्स होते थे। तो सो मेनी एक्सीडेंट्स इन जस्ट 2 वीक्स, सेड फ़ाइज़ा टू हर्स, फ़ाइज़ा ने अपने आप से कहा कि 2 हफ्तों में काफ़ी एक्सीडेंट्स हुए, समथिंग मस्ट बी डन, कुछ करना चाहिए। द रोड इज़ टू डेंजरस फॉर द चिल्ड्रन ऑफ किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर, अब ये किंडरगार्टन जो है वो एक छोटा सा स्कूल था नेक्स्ट डोर, यानी कि जो अगले घर में बना हुआ था,
और फायज़ा जो है वो पॉथहोल के बारे में बात करी है कि कुछ करना चाहिए, द रोड इज़ टू डेंजरस, ये रोड बहुत ख़तरनाक है, यानी कि वो जो पॉथहोल है वो बहुत ख़तरनाक है, किसके लिए, फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द किंडरगार्टन नेक्स्ट डोर, जो नेक्स्ट जो स्कूल है छोटा सा उसके बच्चों के लिए भी ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। सो टर्न द पेज, फ़ायज़ा लुकड आउट ऑफ द विंडो अगेन। फ़ायज़ा ने अपनी जो बेडरूम की जो खिड़की थी जहाँ से उसने पहले बाहर देखा था, दोबारा से बाहर देखा। द मेन हैज़ फिक्स द व्हील एंड वर वाइपिंग देयर हैंड्स ऑन सम ओल्ड रैग्स। आदमियों ने अपना जो व्हील था, जो पहिया था गाड़ी का, उसको फिक्स कर लिया था और अपने हाथ साफ कर रहे थे किसी पुराने कपड़े से, ओल्ड रैग, पुराना जो है फटा पुराना कपड़ा। द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर इनसाइड द कार, बच्चे और जो खातून थी वो कार के अंदर थी। सून द कार ड्रोव अवे, और जल्द ही कार चली गई। द बिग पॉथहोल इन द रोड लाइक अ गेपिंग माउथ वेटेड डार्कली फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम। द बिग पॉथहोल इन द रोड, सड़क के दरमियान में जो बड़ा सा एक शगाफ था, लाइक अ गेपिंग माउथ, यानी कि जिसका बड़ा सा मुंह खुला हुआ था, वेटेड, इंतज़ार कर रहा था डार्कली, बुरी तरह, फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टिम, अपने नेक्स्ट शिकार के लिए। डार्क का मतलब वैसे तो अंधेरा होता है, लेकिन यहाँ पे डार्कली का मतलब है बुरी तरह से, यानी कि वो वेट कर रहा था कि कोई नेक्स्ट बंदा जो है उसमें स्टक हो। फ़ायज़ा रिटर्न टू हर कंप्यूटर इन रोट अ लेटर। फ़ायज़ा अपने कंप्यूटर की तरफ मुड़ी और उसने एक खत लिखा। अ वीक वेंट बाय, एक हफ्ता गुजर गया। थ्री वीक्स वेंट बाय, तीन हफ्ते गुजर गए। फ़ायज़ा वेटेड एवरी डे फॉर रिप्लाई टू हर लेटर। फ़ायज़ा डेली जो है वो इंतज़ार करती थी, हर रोज़ इंतज़ार करती थी, वेटेड इंतज़ार करती थी एवरी डे, हर रोज़ फॉर रिप्लाई, जवाब के लिए, टू हर लेटर, अपने खत के। नो रिप्लाई केम, कोई रिप्लाई नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। एवरी डे फ़ायज़ा मेड न्यू एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग। एवरी डे, हर रोज़ फ़ायज़ा मेड बनाती अ न्यू एंट्री, एक नई एंट्री इन हर एक्सीडेंट लॉग, अपने एक्सीडेंट लॉग में। लॉग होता है कोई ऐसी चीज़ या ऐसा, आपने एक कैलेंडर टाइप बना लेना, लाइक जिसमें आप अपना डेली रूटीन लिखेंगे, आज ये हुआ, नेक्स्ट इस वक्त ये हुआ था, या आप टाइमिंग के साथ, जैसे यहाँ पे एक कैलेंडर आपको नज़र आ रहा है, आप भी अपना एक डेली लॉग बना सकते हैं जिसमें आप लिखें कि आज आपने ये किया या आज ये चीज़ आपने देखी, तो इस टाइप की चीज़ को लॉग बोलते हैं। ऑटो स्टक, रिक्शा फंस गया। साइक्लिस्ट फॉर इनटू गटर, साइक्लिस्ट जो है साइकिल चलाने वाला गटर में गिर गया। मेन इंजर्ड, आदमी जख्मी हो गया। बास्केट्स फॉल्स इनटू रोड, बास्केट्स जो है वो रोड पे गिर गए। लॉरी हैज़ पंक्चर, लॉरी होता है सामान उठाने वाली बड़ी गाड़ी, वो उसका टायर पंक्चर हो गया। दैट्स इनफ, काफ़ी, यानी कि वो बता रही कि इतने सारे एक्सीडेंट्स हुए जिसमें कुछ आदमी भी गिरे, कोई किसी का बास्केट भी गिरा और कुछ रिक्शाज भी फंसे, साइक्लिस्ट भी गिरे। तो लॉरी हैज़ पंक्चर, कई जो गाड़ियां हैं बड़ी उनके टायर पंक्चर हो गए वहाँ पे फंसने की वजह से। दैट्स इनफ, ही काफ़ी है। सेट फ़ायज़ा टू हरसेल्फ, फ़ायज़ा ने अपने आप से कहा, आई एम नॉट वेटिंग अ मोमेंट लॉन्गर, मैं एक लम्हा भी मज़ीद इंतज़ार नहीं करूँगी। फ़ायज़ा फाउंड अ बास्केट एंड फिल्ड इट विद सॉइल फ्रॉम हर गार्डन। फ़ायज़ा ने एक बास्केट तलाश की एंड फिल्ड इट, और उसको भर दिया विद सॉइल, मिट्टी से, फ्रॉम हर गार्डन, अपने बाग से। शी पैक्ड सम कंपोस्ट इनटू अ बैग, उसने कुछ कंपोस्ट यानी कि कुछ ऐसी खाद, कुछ ऐसी मिट्टी जिसके अंदर पत्ते वगैरह भी मिक्स हुए हुए थे, उसको भी एक, उसको कंपोस्ट कहते हैं, उसको भी एक बैग में भर लिया। शी केयरफुली डग आउट अ फ्यू स्मॉल फ्लावरिंग शॉप्स इन पुट देम इनटू अ बैग, और इसने अपने गार्डन से कुछ छोटे जो पौधे हैं, श्रब्स, छोटे झाड़ीनुमा पौधे, उनको भी उसने उखेड़ लिया, उसने उनको भी बैग में रख लिया। शी फिल्ड एन ओल्ड वाटरिंग केन विद वाटर, और उसने एक अपना पुराना जो केन है पानी का वो भी भर लिया। देन शी फाउंड थ्री लॉन्ग लेंथ्स ऑफ वुड एंड सम बोर्ड पेंस, अब उसने तीन बड़े जो लंबाई में लकड़ी के टुकड़े थे वो भी तलाश किए, और एक बोर्ड पेंस और कुछ बोर्ड पेंस भी ले लिए। शी प्लेस द आइटम्स नियर हर फ्रंट डोर, उसने तमाम चीज़ें अपने फ्रंट जो सामने वाला दरवाज़ा था उसके पास रख दी। बैक इन हर रूम, दोबारा अपने कमरे में गई। फ़ायज़ा फाउंड थ्री लार्ज शीट्स ऑफ कार्ड, अब उसने कार्ड की तीन बड़ी बड़ी शीट्स लीं, यानी कि बड़े से, जैसे आपका हार्ड चार्ट होता ना, उसके ऊपर आप कोई भी नोटिस लिखने के लिए या कहीं पे उसको
कहीं पे एक बड़ा सा साइन लगाने के लिए आप बड़ा सा एक हार्ड बोर्ड यूज़ करते हैं या हार्ड शीट या आपका हार्ड चार्ट जो होता है उस टाइप की उसने शीट्स ले ली, शीट कार्ड्स ले लिए थी। शी बिगेन टू राइट इन ड्रा ऑन देम, उसने उन पे लिखना और ड्रा करना शुरू किया। इन द इवनिंग फाइजा कलेक्टेड ऑल द थिंग्स एंड टुक देम आउट इन टू द साइड ऑफ द रोड, शाम के वक्त फाइजा ने तमाम चीज़ें जमा की और इनको ले गई रोड के साइड पे। शी फिक्स टू ऑफ द शीट्स ऑफ कार्ड टू पीसेस ऑफ वुड, उसने दो जो कार्ड के शीट्स थे उनको दो लकड़ी के टुकड़ों के ऊपर फिक्स किया। शी प्रॉप देम अप विद स्टोन, और उसने उनको पत्थर के साथ जो है फिक्स किया, यानी प्रॉप्ड उनको सहारे के साथ खड़ा किया, यानी कि पत्थर के सहारे के साथ उसने रोड के दोनों साइड्स पे उनको जो कार्ड की शीट्स थी उनको खड़ा किया। एट ईच एंड ऑफ द रोड, दोनों एजेस पे, यानी कि जो आपके रोड के आप राइट और लेफ्ट पे एक साइन लगा दें किसी लकड़ी के टुकड़े के साथ या पत्थर के साथ, कुछ कार्ड के ऊपर कुछ लिख के उसको पत्थर के साथ हैंग करें, उसको सहारा दे के खड़ा करें। द साइन सेड रोड क्लोज्ड, और उन साइंस पे क्या लिखा था, रोड क्लोज्ड, यानी कि रोड जो है वो बंद है। ये साइंस उसने क्यों लगाए थे दोनों साइड्स पे, दोनों एंड्स पे रोड के, ताकि वो दरमियान में जो पॉथ होल है उसको क्लोज करने का कुछ काम कर सके, ताकि लोगों का एक्सीडेंट ना हो। और वो उसने जो कार्ड शीट्स लगाए थे वो इसलिए लगाए थे रोड क्लोज के, ताकि गाड़ियां आके उसे पीछे से हिट ना करें, ताकि वो लिखा हुआ साइन उनको पता चल जाए तो वो अपना जो है वो स्पीड भी ठीक कर लें या गाड़ी रोक लें। फाइजा वेंट बैक टू द बिग पॉथ होल एंड एम्प्टीड द बास्केट ऑफ सॉइल इनटू इट, फाइजा दोबारा उस बड़े जो शगाफ था सड़क के दरमियान पॉथ होल उसकी तरफ गई और जो सॉइल की बास्केट थी, जो मिट्टी की बास्केट थी, वो खाद वगैरह वो सारा जो था जो मिट्टी भर के लाई थी वो उसने उसमें खाली कर दी। शी एडेड द कंपोस्ट एंड मिक्सड इट ऑल टुगेदर, और उसने वो जो कंपोस्ट जो खाद लाई थी वो भी उसमें ऐड की और इन सबको इकट्ठा मिक्स कर दिया। शी प्लांटेड द श्रब्स एंड वाटर देम, उसने वहाँ पे कुछ श्रब्स प्लांट्स यानी कि कुछ छोटे छोटे प्लांट्स लगा दिए एंड वाटर देम, और उनको पानी दिया। शी देन पुश्ड द थर्ड पीस ऑफ वुड इन टू द सॉइल एंड पिन्ड द लास्ट शीट ऑफ द कार्ड टू इट ऑन, इट वॉज अ कलरफुल साइन। अब उसने वो जो तीसरा टुकड़ा था कार्ड शीट का वो उस वुड के ऊपर चिपकाया और उसको कहाँ पे रख दिया, उस सॉइल के दरमियान में लगा दिया। ऑन इट वॉज कलरफुल, और उसके ऊपर कलरफुल साइन था। फाइजा रिमूव द रोड क्लोज साइंस इन वेंट होम, अब फाइजा ने उसका चूँकि काम ख़त्म हो गया था, अब उसने जो साइड्स पे रोड के एजेस दोनों एजेस पे जो रोड क्लोज का साइन लगाया था उनको हटा दिया और वो घर चली गई। शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, अब उसने विंडो से बाहर देखा, देयर वॉज नो पॉथ होल इन द रोड नाउ, अब सड़क के दरमियान कोई शगाफ नहीं था। इन इट्स प्लेस वॉज अ लवली लिटल गार्डन, अब उस जगह पर एक छोटा सा प्यारा सा गार्डन था, बाग था। सून लार्ज क्राउड गैदर्ड, अब जल्द ही बहुत से लोग जमा हो गए। पीपल स्टॉप टू लुक, लोग रुकने लगे इसको देखने के लिए। द चिल्ड्रन फ्रॉम द किंडर गार्डन स्टॉप टू लुक, जो साथ ही स्कूल था उसके बच्चे भी और रुके उसको देखने के लिए। When traffic passed by, जब traffic यानी कि जब गाड़ियाँ गुजरती, drivers smiled, drivers जो गाड़ी चलाने वाले होते वो मुस्कुराते and slowed down, और आहिस्ता कर लेते गाड़ी यानी कि उसको turn out करने के लिए। They drove carefully round the garden, वो उस garden के इर्द गिर्द बड़ी एहतियात से गाड़ी चलाते। अच्छा, ये जो picture है ये कुछ ज़्यादा बड़ी दिखाई गई है पॉथ होल की, क्योंकि sides पे इतनी जगह नहीं है कि गाड़ी गुजरे, तो ये हुआ कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे छोटा कुछ दरमियान में रोड के खुला सा रोड होगा, उसके दरमियान में कुछ पॉथ होल होगा, लाइक शगाफ होगा, और फायजा ने इसको फिलअप किया और कुछ प्लांटेशन कर दी, और साइड्स पे उसने स्पेस इतनी इनफ छोड़ी होगी कि गाड़ियाँ जो है वो यहाँ से ऐसे टर्न करके ऐसे करके गुजर जाती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह अमीन विद कैमरा अराइव्ड, एक आदमी कैमरे के साथ आया। ही टुक लॉट्स ऑफ फोटोज ऑफ फाइजाज पॉथ होल गार्डन, उसने फाइजा का जो पॉथ होल वो जो शगाफ वाला जो गार्डन था बाग था उसके बहुत सारे पिक्चर्स लिए। शॉर्टली आफ्टर दैट द पिक्चर्स अपेयर्ड इन द न्यूज़पेपर, और इसके बाद जल्द ही वो जो तस्वीरें थी वो अखबार में आ गई। द चीफ ऑफ पुलिस अराइव टू हैव अ लुक, पुलिस का जो चीफ था वो भी उसको वहाँ पर आया देखने के लिए। इवन द मेयर खेम, मेयर होता है जो शहर का इंतज़ाम संभालने वाले, जिनको लोग वोट के ज़रिए सेलेक्ट करते हैं, तो वो भी इवन के वहाँ पे आया उस जगह को देखने के लिए। फाइजर्स लिटिल गार्डन वाज रिमूव्ड
वॉज मूव टू द साइड ऑफ द रोड, फायजा का जो छोटा गार्डन था उसको मूव कर दिया गया रोड के साइड पे. द पोथ होल वॉज फाइनली फिल्ड इन द शाइनी न्यू सर्फस वॉज पुट ऑन द रोड. अब पोथ होल जो था उसको फिल कर दिया गया और एक शाइनी सर्फस यानी कि एक चमकदार सा रोड जो है सामने आया. द गार्डन टुडे इज कॉल्ड फाइजाज गार्डन इन इट इज़ फुल ऑफ लवली फ्लावरिंग शब्स. अब जो गार्डन था वो जो बाग था उसको आज भी वहाँ मौजूद है. वो कह रहे हैं कि उसको जो है फायजा के नाम से याद किया जाता है और उसका नाम जो है फाइजाज गार्डन यानी कि फायजा का गार्डन और उसमें काफ़ी सारे फूल और शब्स हैं. सो बच्चों इससे हमने ये लेसन गेट किया कि फ़ायज़ा ने थोड़ी सी मेहनत के साथ लोगों को तकलीफ़ से बचाने की कोशिश की और क्या हुआ कि उसको एक अच्छा मुकाम भी मिल गया, नाम भी मिल गया और उसने एक अच्छा काम करके दिखाया कि भाई लोगों को, वो देख रही थी कि लोगों को तकलीफ़ हो रही है रास्ते में गुजरते हुए किसी हर्डल से किसी पोथ होल से, तो उसने उसको फिलअप करने की कोशिश की. तो सो हमें भी अपनी लाइफ में इस चीज़ से ये सीखना है कि अगर हमें महसूस हो कि कोई चीज़ दूसरों को तकलीफ़ दे रही है तो हम जितना उसको रिमूव कर सकें कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए. ठीक है, सो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही. अल्लाह हाफिज़.